तो दोस्तों इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर इम्तियाज अली की एक नई फिल्म लगी है जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला, जो एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है और जिसकी लेंथ है लगभग 2 घंटे और 26 मिनट की। और इसमें आपको देखने को मिलेंगे दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म अनमोल। और दोस्तों इसकी स्टोरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्टोरी फॉलो करती है अमर सिंह चमकीला नाम के एक पंजाबी सिंगर के बारे में, जो अपने गाने खुद लिखते थे लेकिन उनके गानों के साथ एक प्रॉब्लम थी कि उनके गाने बहुत ही ज्यादा अश्लील और वल्गर थे, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनको अपने गाने की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो ऐसे सिंगर के ऊपर ये फिल्म फोकस करती है। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी को देखकर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो को शेयर जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और बताते हैं आपको कि इस फिल्म को देखने का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये फिल्म मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिल्म ने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया, क्योंकि फिल्म में आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन लेवल के परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे, खास करके दिलजीत दोसांझ का जो परफॉर्मेंस है ना भाई, मतलब सच में उन्होंने इस कैरेक्टर में अपनी जान डाल दी है। और क्योंकि वो एक पंजाबी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उनकी जो कास्ट है वो इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट थी, और फिल्म आपको काफी ज्यादा सच्चाई से रूबरू करवाती है। मतलब फिल्म में अमर सिंह चमकीला को कोई हीरो का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन उसके जो सॉन्ग्स थे वो पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो उसके गाने पसंद नहीं करते थे, और फिर उसे काफी ज्यादा थ्रेट्स मिले, लेकिन वो था तो एक आर्टिस्ट ही जो अपने पब्लिक की डिमांड पर वैसे गाने उसे गाने पड़ते थे, जिस वजह से उसकी जान भी गई। लेकिन दुख तो इस बात का भी होता है कि उस केस को सॉल्व किया ही नहीं गया। और अगर हम बाकी बात करें स्क्रीन प्ले की या फिर म्यूजिक की, तो मूवी उस डिपार्टमेंट में भी काफी ज्यादा सही निकल कर आती है, और फिल्म में हमें उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज हो जाता है कि कैसे कई सारे लोग उसे पसंद करते थे, उसके गाने जो है उसे पसंद करते थे, लेकिन कई सारे लोगों को उसका ये गाना पसंद नहीं आता था। लेकिन शायद ये मूवी कुछ लोगों को डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि फिल्म में ज्यादातर पंजाबी सॉन्ग्स है जो आपको सबटाइटल्स के साथ देखने पड़ते हैं, तभी शायद आप उसका मतलब समझ पाएंगे। और फिल्म में आपको स्टोरी देखने को मिलती है अमर सिंह चमकीला के राइज एंड फॉल की। तो ओवरऑल अगर आपको एक बायोग्राफिकल ड्रामा देखना पसंद है या फिर टाइम पास के लिए भी आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी, और मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 8 out of 10 स्टार। तो दोस्तों अगर आपने ये मूवी देखी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हमें कमेंट्स पर जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले, और वीडियो को आप अपने फैमिली या बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि जो इसमें गाने हैं वो काफी ज्यादा वल्गर थे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।